प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में संभावित गिरावट को रोकने व आपदा को अवसर में बदलने हेतु मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आर्थिक पैकेज छोटे व्यवसायों, कपड़ा उद्योग, घरेलू उद्योगों, मजदूरों, MSME सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। इसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों को प्रयोग करने, प्रचार करने तथा वैश्विक बनाने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आशय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है, अतः प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित से अलग हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अर्थात भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार मानती है। अतः भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित रही है। इस अभियान का लक्ष्य देश में एक मजबूत आर्थिक परिवेश को निर्मित करना है, जिसमें सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित
किया जाएगा। इससे पूर्ति के साथ निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप।